जो पुलिस ने आपको परमिशन दी है ये सब, आप कोरोना बीमा में जाने वाले हो, क्या प्लानिंग है सर? भूख थोड़े भर गई। ये पहले तो पुलिस जो है हमने प्रशासन से परमिशन की अपील की थी, कल वो अपील हमारी खारिज की गई, फिर हम लोग कोर्ट गए। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष मेरे पीछे खड़े हुए दत्तापुर जी, वो कोर्ट गए। अब कोर्ट में कल 10 या 11 बजे तक हमारा डिसीजन आ जाएगा। डिसीजन आया तो हम सभा करेंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे, और अगर डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं आता है तो फिर हम जनरली जाके लोगों से जो भीम आर्मी की टीम उनसे मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। भारत में, आजाद भारत में मेरा अधिकार है, संविधान ने अधिकार मुझे दिया है, बाबा साहब बहुत पहले देके गए। उसका आर्टिकल 19 का उल्लंघन यहाँ पूर्ण रूप से हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जानबूझकर करते हैं तो फिर हमें अपने अधिकारों के लिए ताकत का प्रयोग भी करना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे, अपनी टीम से कहेंगे कि वो कहीं एकजुट हो, हम जाके उनसे बात करें। लेकिन कोरेगांव भीमा में आप जाने वाले हो, 1 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उस प्रोग्राम में आप शामिल होने वाले हो? बिल्कुल शामिल होऊंगा। वो बाबा साहब जाते थे वहाँ, बाबा साहब ने हम सब लोग कहा कि आप लोग वहाँ जाइए, तो बाबा साहब का बच्चा जरूर जाएगा। मेरी, मैं ही नहीं जाऊंगा, आप देखना कि देश के करोड़ों लोग आएंगे वहाँ, और मैं जाऊंगा। मेरा तो प्रयास है कि हम यहीं से पैदल मार्च करके जाएं वहाँ। लेकिन जो पुलिस इस गवर्नमेंट के बारे में क्रिएट हो सकता है, जो कुछ भी रीजंस बताए जा रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा नहीं छोड़ा जाए तो क्या? पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। पिछली बार 1 जनवरी 2018 को जो भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस की जो 200वीं वर्षगांठ, उस पर जिन लोगों ने दंगा कराया, जिन पे आरोप था, जो लोग जेल भी गए, अब वो दोबारा भी तो करा सकते। पुलिस ने उनको क्यों नहीं नजरबंद किया? पुलिस ने उनको क्यों नहीं जेल में डाला? पुलिस सिर्फ माहौल खराब करके हमें डराना चाहती है कि जिससे हमारे लोग वहाँ ज्यादा नहीं जाए। बाबा साहब ने कहा था, मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, 1 तारीख को करोड़ों लोग वहाँ पहुंचे और अपनी ताकत का एहसास कराएं। बाबा साहब ने जो बात कही थी वो सत्य है। बाबा साहब ने जो कहा वो बिल्कुल, वो हमारे लिए बिल्कुल संविधान में जो लिखा हुआ है, बाबा साहब जो कहा वो हमारे लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है। हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं और संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानते मानने काम करते हैं। अजय जी, पिछली बार जब वहाँ पे हिंसा हुई तो पुलिस ने ऐसा कहा कि माओवादी उसके पीछे है, और जो अभी अरेस्ट है उसमें उनका लोगों का कहना ये है कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं बस आपका ध्यान एक बात पे आकर्षित करना चाहता हूँ। वहाँ से एक उन्होंने कहा एक लेटर भी मिला है जी, जिसमें मोदी जी को हत्या का खतरा है। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसलिए क्योंकि अब की बार लोग इनके बहकाव में नहीं आने वाले। उन वो निर्दोष लोग हैं, उनको जानबूझकर गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि ये माहौल देश में बनाया जाए कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री को खतरा है, खतरा यहाँ की इंसानियत को है, यहाँ बाबा साहब के बुद्ध धर्म को खतरा है, जिसको बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है देश। तो वो सब लोग निर्दोष लोग थे, इन्होंने तानाशाही नीति, जैसे मेरे ऊपर, मेरा क्या दोस्त है यहाँ के, बाबा साहब की समाधि पे शरम आनी चाहिए लोगों को। एक बच्चे को उसके बाप की समाधि पर जान से इन्होंने गेट से उठा लिया। ये क्या, ये माहौल हम खराब कर रहे हैं, ये लोग खराब कर रहे हैं, बोल तो ये लोग खराब कर रहे हैं। मैं अगर बाबा साहब की समाधि पर जाके 5 मिनट बैठ जाता, उसे नमन कर लेता, कौन सा माहौल खराब होता मुझे बताइए आप लोग। ये माहौल खराब करना चाहता है क्योंकि ये दंगों के दम पे राजनीति करते हैं। इस बार हम इनकी राजनीति का, इस दंगे वाले राजनीति का अंत करने वाले। तो पिछली बार जो दंगा हुआ जी, ये कहा जाता है